नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार में जातिगत गणना पर 28 अप्रैल को होगी सुनवाई। इस मामले को लेकर देश के 12 शहरों में चल रही सीबीआई की रेड। राज्य अधिकारियों को नीतीश सरकार से मिली चेतावनी। बिहार की राजधानी आने जाने के लिए अब एक और जगह लगेगा टोल टैक्स। केकेआर के खिलाफ जीत के बाद खुश नहीं दिखे डीसी कप्तान डेविड वार्नर। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में जातिगत गणना पर 28 अप्रैल को होगी सुनवाई। एक बार फिर से बिहार में जाति जनगणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस मामले पर शीर्ष अदालत सुनवाई करने को तैयार है, जबकि पूर्व की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनवाई करने से इनकार कर दिया गया था। बता दें कि इस मामले पर अगली सुनवाई कोर्ट के द्वारा 28 अप्रैल को की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में फिलहाल 15 अप्रैल से जातीय गणना के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है, जिसे पूरा करने का लक्ष्य 15 मई तक निर्धारित किया गया है। इसके बाद जाति आधारित सर्वे की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। वहीं अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर रोक लगा दिया जाता है तो जातीय गणना के आंकड़े सार्वजनिक नहीं हो पाएंगे। इस मामले को लेकर देश के 12 शहरों में चल रही सीबीआई की रेड। IRCTC की वेबसाइट के जरिए आरक्षित सीटों के ई टिकटों की हो रही अवैध बिक्री के मामले को लेकर सीबीआई के द्वारा देश के 5 राज्यों के 12 शहरों पर रेड मारी जा रही है। बता दें कि इन 5 राज्यों के 12 शहरों में बिहार के भी कुछ शहर शामिल है, जिनमें बिहार की राजधानी पटना समेत मुजफ्फरपुर, भागलपुर और हाजीपुर भी शामिल है। बता दें कि अब तक सीबीआई के द्वारा की गई कार्रवाई में कई निजी टिकट विक्रेताओं, वेंडरों और ट्रैवल एजेंटों के यहां से मोबाइल, लैपटॉप, कागजात समेत अन्य चीजें जब्त की गई हैं। वहीं छापेमारी से ट्रैवल एजेंटों के बीच हड़कंप का माहौल बन गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीबीआई को ऐसी सूचना मिली थी कि बड़ी संख्या में ट्रैवल एजेंट और निजी टिकट वेंडर सिटी के वेबसाइट से टिकट काटकर उन्हें ब्लैक में भेजा जा रहा है, और साथ ही IRCTC के नाम से कई फर्जी अकाउंट भी बनाए गए हैं, जिसके बाद सीबीआई की तरफ से इस कार्यवाही की शुरुआत की गई है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दी ईद उल फितर एवं जुमे की विदाई की बधाई। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा राज्यवासियों को ईद उल फितर एवं जुमे की विदाई की हार्दिक बधाई दी गई। उन्होंने कहा कि ईद का दिन रोजेदारों को खुदा ए ताला ने इनाम के रूप में दिया है। इस तपिश मौसम में रोजेदारों ने पूरे एक माह रमजान का रोजा एवं इबादत कर खुदा की खुशनुदी हासिल करने का प्रयास किया है। उन सभी लोगों के लिए खुदा अपनी इबादत, रोजा, नमाज और गरीबों की खिदमत को कबूल करे। उन्होंने कहा कि नफरत का कारोबार करने वालों का हौसला पस्त हो, उनके नापाक इरादे नाकाम हो। उन्होंने कहा कि इस खुशी के मौके पर अपने आसपास पड़ोस के लोगों एवं गरीबों को भी इस खुशी में शामिल करें। इस त्यौहार का मतलब ही है कि आपस में सौहार्द और मिलजुल कर पूरी शांति से त्यौहार मनाया जाए। बता दें कि इस बार ईद का त्यौहार कल यानी कि शनिवार को मनाया जा रहा है। ट्विटर ने लालू, नीतीश समेत बड़े नेताओं के वेरीफाइड अकाउंट से हटाए ब्लू टिक। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर कंपनी के मालिक एलन मस्क के द्वारा कहे अनुसार 20 अप्रैल से उन अकाउंट्स के ब्लू टिक को हटाया जा रहा है जिन्होंने पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है। ऐसे में अब ट्विटर के द्वारा अचानक से कई बड़े नेताओं को झटका दे दिया गया है। दरअसल ट्विटर के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, राजस्व सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री और कई बड़े नेताओं के वेरीफाइड अकाउंट से ब्लू टिक को हटा दिया गया है। इसके साथ ही ट्विटर के द्वारा बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार से लेकर क्रिकेट जगत के दिग्गज विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी और भारतीय सियासत के बड़े नाम कांग्रेस नेता राहुल गांधी, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी की पूर्व सीएम मायावती के ट्विटर अकाउंट से भी ब्लू टिक को हटा दिया गया है। ऐसे में अब अगर ये सभी अपने अकाउंट्स पर ब्लू टिक चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें पेड सब्सक्रिप्शन लेना होगा। साइबर ठग ने CRPF जवान बन महिला डॉक्टर को बनाया शिकार। बिहार में एक बार फिर से साइबर ठगी की घटना सामने आई है। बता दें कि ताजा मामला बिहार की राजधानी पटना से सामने आया है, जहां एक साइबर ठग CRPF का जवान बनकर महिला डॉक्टर सपना झा से 3,56,998 रुपए का ठगी कर लिया गया है। बता दें कि जिस डॉक्टर महिला के साथ ये ठगी की घटना घटी है वह पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र के आसियाना नगर रामनगरी इलाके स्थित शिल्पा एनक्लेव ब्लॉक ए में रहती है। महिला के द्वारा इस घटना को लेकर दी गई जानकारी के अनुसार महिला डॉक्टर से 150-100 जवानों के लिए प्रिवेंटिव मेडिसिन का अकाउंट एस्टिमेट अपने व्हाट्सएप नंबर 9735449869 पर भेजने को कहा और फिर उनके अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए। बता दें कि इस मामले को लेकर डॉक्टर महिला के द्वारा राजीव नगर थाना में शिकायत दर्ज करवाई गई है और साथ ही साइबर सेल को भी आवेदन दिया गया है। बिहार की राजधानी आने जाने के लिए अब एक और जगह लगेगा टोल टैक्स।
अब बिहार की राजधानी पटना आने जाने के लिए लोगों को एक और जगह टोल टैक्स भरना होगा। दरअसल बीते दिन से राष्ट्रीय उच्च पथ 922 पटना बक्सर फोर लेन पर कोइलवर से कुल्हरिया में बना प्लाजा काम करना शुरू कर दिया है। यानी कि अब बक्सर आरा से पटना आने और पटना से बक्सर आरा जाने के लिए यहां भी टोल टैक्स भरना होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बक्सर से पटना के बीच बनी इस फोर लेन नेशनल हाईवे पर कुल्हरिया में एकमात्र यह टोल प्लाजा है जिसे शुरू किया गया है। वहीं बहुत जल्द ही बक्सर जिले में एक और टोल प्लाजा स्थापित किया जाएगा जो कि बक्सर में नए सेतु के निर्माण के साथ शुरू होगा। इसके निर्माण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। बता दें कि शुरू किए गए टोल प्लाजा पर 20 किलोमीटर के दायरे के लोगों को 330 रुपए में मासिक पास बनाया जाएगा। राज्य अधिकारियों को नीतीश सरकार से मिली चेतावनी। पटना हाईकोर्ट के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी का जमानती वारंट जारी करने के बाद राज्य सरकार के प्राथमिक शिक्षा निदेशक बी कार्तिकेय धनजी के द्वारा सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को पत्र लिखकर चेतावनी दी गई है और कहा गया है कि मुख्य सचिव या शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को यदि कोर्ट में उपस्थित होना पड़े तो गड़बड़ करने वाले संबंधित अधिकारियों का निलंबन तय होगा और साथ ही उन पर अलग से अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पटना हाईकोर्ट के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव के खिलाफ जमानती वारंट इसलिए जारी किया गया था क्योंकि उन्होंने अदालती आदेश का पालन नहीं किया था। IIT पटना में अब काम के साथ करें पढ़ाई। वैसे छात्र जो काम के साथ पढ़ाई करने की भी इच्छा रखते हैं उनके लिए खुशखबरी है। दरअसल IIT पटना के द्वारा ऐसे छात्रों को पढ़ाई के साथ काम करने का भी मौका दिया जा रहा है। बता दें कि IIT पटना की ओर से वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए ऑनलाइन PG डिग्री और सर्टिफिकेट प्रोग्राम की शुरुआत की जा रही है। इसके लिए संस्थान ने टिमलेज एंड टेक के साथ MOU किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वर्किंग प्रोफेशनल्स में एडमिशन करने के लिए सबसे पहले जरूरी चीज है वह है वर्क एक्सपीरियंस। बता दें कि वैसे छात्र जो मास्टर डिग्री में एडमिशन कराना चाहते हैं उनके पास कम से कम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। वहीं सर्टिफिकेट प्रोग्राम में एडमिशन करवाने के लिए कम से कम 1 साल का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए छात्र IIT पटना.digiversity.com पर जाकर पता कर सकते हैं। पटना हाईकोर्ट में एम्स के मामले पर हुई सुनवाई। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस KV चंद्रन की खंडपीठ के द्वारा बिहार के सहरसा में स्थापित किए जाने वाले एम्स अस्पताल स्थानांतरित किए जाने के मामले पर कोसी विकास संघर्ष मोर्चा द्वारा की गई जनहित याचिका पर सुनवाई की गई और इस मामले को 9 मई 2023 तक टाल दिया गया। बता दें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट के द्वारा इस मामले को लेकर केंद्र और राज्य सरकार को जवाब देने के लिए 17 अप्रैल 2023 तक की मोहलत दी गई थी। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता के द्वारा कोर्ट को बताया गया कि राज्य सरकार की ओर से भूमि संबंधी ब्यौरा अब तक पेश नहीं किया गया है। बता दें कि अब इस मामले पर अगली सुनवाई कोर्ट के द्वारा 9 मई 2023 को की जाएगी। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद राज्य में 2070 लोगों की हत्या। 9 अगस्त 2022 को बिहार में महागठबंधन सरकार बनी थी। ऐसे में विपक्ष के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के द्वारा एक आंकड़ा पेश किया गया है जिसमें यह जानकारी दी गई है कि राज्य में महागठबंधन सरकार बनने के बाद राज्य में आपराधिक वारदातों में कितनी बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि नित्यानंद राय की ओर से यह आंकड़ा अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर शेयर किया गया और लिखा है 9 अगस्त 2022 को नीतीश तेजस्वी की सरकार बिहार में बनी, तब से लेकर आज तक 4,848 अपराध की घटनाएं बिहार में हुई हैं। इनमें से 2,070 हत्याएं, 345 बलात्कार, 144 अपहरण तथा 700 हत्या के प्रयास के मामले हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी लिखा है कि हत्या लूट दुष्कर्म से त्रस्त बिहार है, अपराधियों की बहार है क्योंकि अपराध को पनाह देने वाली बिहार नीतीश तेजस्वी की सरकार है। बिहार की महागठबंधन सरकार कान में रुई डालकर मौन बैठी है, अपराधी बेखौफ वारदातों को अंजाम दे रहे, भाजपा आएगी अपराध जाएगा। मंच पर कुर्सी टूटने से गिरे पप्पू यादव। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह एक हादसे का शिकार होते होते बचे हैं। दरअसल बीते दिन पप्पू यादव सरैया के गंजास पंचायत भवन के पास महायज्ञ का उद्घाटन करने पहुंचे थे जहां उन्होंने फीता काटकर धार्मिक कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसके बाद कार्यक्रम के दौरान मंच पर वो जिस कुर्सी पर बैठे थे वो कुर्सी टूट गई और गिरने से बाल बाल बचे। हालांकि उस दौरान मौके पर मौजूद जाप नेता रानू शंकर के द्वारा उन्हें पकड़ लिया गया जिससे वह बच गए। बता दें कि इस मौके पर कार्यक्रम में अफरा तफरी मच गई। बता दें कि इस दौरान पप्पू यादव ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देश में धर्म, मजहब, जाति के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है। पहले धार्मिक अनुष्ठानों दुर्गा पूजा, दीपावली, ईद, बकरीद का हमें इंतजार रहता था। हमें आपसी प्रेम भाईचारे के साथ रहकर एकजुट होना होगा, नहीं तो देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। अमित शाह उपेंद्र कुशवाहा की भेंट पर RJD ने ली चुटकी।
देश की राजधानी दिल्ली में बीते दिन हुई अमित शाह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच की मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से चर्चा और बयानबाजी का माहौल पैदा हो गया है। बता दें कि उनके इस मुलाकात को लेकर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी के द्वारा चुटकी लेते हुए कहा गया है कि अगर यह समझा जा रहा है कि उनके मिलने से हमें कोई नुकसान होगा तो सच्चाई यह है कि नुकसान उन्होंने अपना किया है। उन्होंने कहा कि यह उनकी भूल है। उपेंद्र कुशवाहा कहते थे कि आरजेडी और जेडीयू के बीच डील हुई है, लेकिन असली डील तो उन्होंने बीजेपी के साथ कर ली है। ऐसे में अब कुशवाहा को बताना चाहिए कि उनके बीच क्या डील हुई है। उन्होंने कहा कि बिहार में भाजपा को एक भी सीट नहीं मिलने वाला है। उन्हें उपेंद्र कुशवाहा के आने से भी फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि बिहार की जनता महागठबंधन पर विश्वास करती है। भाजपा को इस बात की जानकारी चुनाव में मिल जाएगी। राज्य में मिले 139 नए कोरोना मरीज। बिहार में लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होती जा रही है। ऐसे में बीते दिन यानी कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल 139 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब मरीजों की संख्या राज्य में बढ़कर 731 हो गई है। बता दें कि 139 मामले में अकेले बिहार की राजधानी पटना से 57 संक्रमित सामने आए हैं, जिसके बाद पटना में एक्टिव मरीजों की कुल संख्या 392 हो गई है। वहीं बीते 24 घंटे में राज्य में कुल 52,510 सैंपल की जांच की गई है। इसके अलावा अगर देश की बात करें तो देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के कुल 11,692 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 66,170 हो गई है। केकेआर के खिलाफ जीत के बाद खुश नहीं दिखे डीसी कप्तान डेविड वार्नर। बीते दिन दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आईपीएल 2023 का 28वां मुकाबला खेला गया, जिसमें दिल्ली की टीम ने 4 विकेट से जीत दर्ज की। बता दें कि बीते दिन हुआ यह मैच एक लो स्कोरिंग मैच था, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए केकेआर की टीम निर्धारित 20 ओवरों में सिर्फ 127 रनों पर ऑल आउट हो गई। जवाब में दिल्ली की टीम ने 19.2 ओवर में लक्ष्य को हासिल किया। वहीं इस मैच के बाद और दिल्ली को आईपीएल 2023 में मिली पहली जीत के बाद दिल्ली के कप्तान डेविड वार्नर के बाद कहा गया कि पहले 2 अंक हासिल करके काफी अच्छा लग रहा है। हमारे गेंदबाजों ने जिस तरीके से गेंदबाजी की वह तारीफ है। मैं उनके पावर प्ले में विकेट चाह रहा था और उन्होंने वह करके दिया। हालांकि बल्लेबाजी के दौरान हम फिसल गए थे, गुच्छों में विकेट गवाया। हमने आज के मैच में ठीक ठाक प्रदर्शन किया। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी शुक्रवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल की कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल की कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, रुन्नू गोलू कुमार, रविशंकर, उमेश ऋषिदेव, निभा कुमारी, शंकर मुखिया, अजीत कुमार, मोटो रंगीला, बाबूलाल मरांडी, अजीत पोरस, मोहम्मद सकीर हुसैन, अनसुप्रिया, समीक्षा गुड्डू कुमार, अनवर करीम खान। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, ईद को लेकर आपके क्षेत्र में कितनी चहल पहल है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।